आंकड़ों गांव अपनी खबर वीडियो न्यूज बुलेटिन में स्वागत अभिनंदन। आइए देखते हैं आज 22 मई 2020 को हमारे क्षेत्र की खास खबरें। व्यापारियों ने कृषक कल्याण शुल्क में राहत देने पर मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए शुल्क को समाप्त करने की मांग की। लॉकडाउन में काम धंधे ठप और डिस्कॉम का 3 महीने के बिजली बिल भरने के आदेश का क्षेत्र में हो रहा है विरोध। गांव रेड़ी में किसान की ढाणी में आग लगने से सारा सामान जलकर स्वाहा हुआ। गांव सेरुणा में सरपंच मंजू कंवर की अध्यक्षता में बैठक कर क्वारंटाइन ग्रामीणों का ध्यान रखने पर चर्चा की गई। ये थे आज के मुख्य समाचार। आइए चर्चा करते विस्तार से। कृषक कल्याण शुल्क का चौतरफा विरोध देखते हुए सरकार ने व्यापारियों से बैठकों के बाद इस शुल्क में कल देर रात सुधार कर दिया। श्री डूंगरगढ़ व्यापार मंडल संघ ने जबरदस्त एकता दिखाते हुए पुरजोर विरोध जयपुर तक दर्ज करवाया था। संघ के अध्यक्ष श्याम सुंदर पारिक ने गुरुवार को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ट्वीट करते हुए इसमें आवश्यक रूप से सुधार करने की मांग को दोहराया था। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि ज्वार बाजरा मक्का जीरा ये सब गोल सहित जिन कृषि जिन्सों पर मंडी शुल्क 50 पैसा प्रति सैकड़ा है उन पर कृषक कल्याण शुल्क भी 2 रूपए प्रति सैकड़ा के स्थान पर 50 पैसा प्रति सैकड़ा ही लिया जाए। तिलहन और दलहन गेहूँ सहित जिन कृषि जिन्सों पर मंडी शुल्क 1 रूपया वे 1 रूपया 60 पैसा प्रति सैकड़ा है उन पर भी 2 रूपए प्रति सैकड़ा के स्थान पर 1 रूपया प्रति सैकड़ा प्रभावित किया गया है तथा ऊन को कृषक कल्याण शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। गहलोत ने कोरोना काल में राज्य के व्यापारियों द्वारा किए गए कार्यों को लेकर व्यापारियों की सराहना की। ज्ञात रहे श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में भी व्यापारियों ने सरकार के कार्यक्रम कोई भूखा ना सोए के संकल्प को साकार करने में बढ़ चढ़कर भाग लिया और कोई कसर नहीं छोड़ी। व्यापार संघ के अध्यक्ष सहित व्यापारियों ने सरकार के फैसले पर आभार प्रकट करते हुए इससे फायदा नहीं होने के बराबर होने की बात कही तथा सरकार से प्राइवेट पार्टियों के दिए गए सीधी खरीद के लाइसेंस को निरस्त करने और कृषक कल्याण शुल्क को पूर्णतया समाप्त करने की मांग की जिससे प्रदेश के व्यापारियों किसानों और उद्योगों को राहत मिल सके। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के नेता लॉकडाउन में लगातार किसानों सहित गरीबों के बिजली बिल माफ करने की मांग कर रहे थे। आज जयपुर जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम में लॉकडाउन के दौरान स्थगित किए बिलों को एक साथ भरने के आदेश और 31 मई तक बिल नहीं भरे जाने पर 3 माह की राशि पर 2% पेनल्टी लगाने और बकाया राशि पर जून के पहले सप्ताह से बिजली कनेक्शन काटना शुरू करने के आदेश के बाद टाइम्स की खबर प्रकाशन के साथ ही इस फैसले का क्षेत्र में व्यापक विरोध प्रारंभ हो गया। विधायक गिरधारी लाल मैया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर आर्थिक मंदी में लोगों का संबल बनने की मांग की। मैया ने कहा कि लॉकडाउन के कारण सभी उद्योग धंधे बंद पड़े हैं और किसान अपनी उपज भी मंडी में नहीं बेच पाए हैं। ऐसे में कैसे जनता एक साथ 3 माह का बिल भर सकेगी। मैया ने 6 माह के बिल बिजली बिल माफ करने की मांग को दोहराया। क्षेत्र में लगातार सक्रिय और यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरिराम बाना ने भी सरकार से डिस्कॉम के आदेश पर संज्ञान लेते हुए दखल करने की मांग की है। बाना ने कहा कि किसान और आम नागरिक की कमर कोरोना के लॉकडाउन ने पहले ही तोड़ दी है, अब एक साथ बिल भरवाने का आदेश जनता पर भारी पड़ेगा। मुख्यमंत्री जनता को राहत देने के लिए आगे आए। लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और युवा नेता डॉक्टर विवेक माचना ने आक्रोशित स्वर में सरकार से सड़क पर सीधे लड़ने की चुनौती दी है। माचना ने कहा कि किसानों के साथ ये छल महामारी के काल में सहन नहीं किया जाएगा। सरकार आपदाओं से जूझ रहे किसानों की मदद करने की बजाय उन्हें कनेक्शन काटने की बात कहे तो सरकार को आंदोलन के रूप में इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। बिजली बिलों की गर्मी के साथ आज एक दयनीय घटना हुई। तहसील के गांव रीड़ी में दीपाराम मेघवाल की ढाणी में आग लगने से उसकी कृषि उपज अन्य पशु आहार और आटा चक्की घरेलू सामान सारा जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर पटवारी सीताराम नाई मौके पर पहुंचे एवं नुकसान का जायजा लिया। पटवारी सीताराम नाई ने बताया कि रेड़ी निवासी राम प्रताप मोहनलाल ब्राह्मण के खेत में दीपाराम काश्त कार्य करता था एवं अपनी ढाणी बनाकर वहीं रहता था। आग में उसके 5 क्विंटल इसबगोल, 4 क्विंटल गेहूं, 2 बोरी पशु आहार, आटा चक्की, बिस्तर, कपड़े और घरेलू सामान पूर्णतया जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के प्रयास भी किए गए लेकिन आग काबू में नहीं आई और पूरे झोपड़े को सामान सहित जलाकर खाक कर दिया। आरबीआई गवर्नर ने लोन की किश्त चुकाने की मोहलत 1 जून से अगले 3 महीने के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा की है।
श्री डोकरगढ़ क्षेत्र के प्रमुख ऋण एवं निवेश सलाहकार एमजेसी कंसल्टेंसी एंड फाइनेंशियल सर्विस के मंगाराम सुथार ने श्री डोकरगढ़ टाइम्स के पाठकों के लिए आरबीआई के आदेश को सरल भाषा में समझाया। आप सभी हमारे न्यूज लिंक में इसे खोलकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। सेरुणा सरपंच मंजू कंवर की अध्यक्षता में लॉकडाउन के नियमों की पालना के साथ आज सेरुणा पंचायत की बैठक बुलाई गई। बैठक में सभी वार्ड पंचों को अपने अपने वार्ड में होम क्वारंटाइन किए गए लोगों की नियमित देखभाल करने और उन्हें आइसोलेशन का पूर्णतया पालन करवाने के निर्देश दिए गए। बैठक में मृत्यु प्रमाण पत्र वारिसनामा इंतकाल चढ़ाने जैसे कार्य भी किए गए। बैठक में ग्राम विकास अधिकारी रोहिताश कुमार व हल्का पटवारी रामचंद्र सहित उप स्वास्थ्य केंद्र के एएनएम ने भी भाग लिया। देश प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ श्री डोकरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी राजनीतिक आपराधिक सांस्कृतिक सामाजिक और आर्थिक धार्मिक समाचारों को प्राप्त करने के लिए आप जुड़िए श्री डोकरगढ़ टाइम्स के साथ। आप श्री डोकरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री डोकरगढ़ टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। सादर धन्यवाद। शुभ रात्रि।